हेलो फ्रेंड्स, तो मैं डालने जा रही हूँ नींबू का अचार। तो आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं अभी डालने जा रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे डालती हूँ मैं नींबू का अचार। क्योंकि मेरा अचार ना 1 डेढ़ 2 साल तक स्टोर करके रखिए ना, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है जो मैं डालती हूँ ना उसमें। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर देखिएगा। सारे नींबू मैंने कट कर लिए हैं और इसमें अब मैं मसाले ऐड करूंगी। मसाले में अजवाइन है, मेथी है, नमक है, तो इन सब चीज़ों को और लाल मिर्च है, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर और बस जार में रख दूंगी और जार फिर धूप में रख दूंगी। तो बस हमारा 15 दिन के अंदर ये नींबू का अचार तैयार हो जाएगा और हमारा ये स्टोर कर रखने के लिए हम 1 डेढ़ साल तक इसको आराम से रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं नींबू कट करके रख दिए हैं और इसमें मिर्च पाउडर, अजवाइन, हल्दी, नमक और मेथी को मैंने भून कर यानी गरम करके थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। बाकी का सभी मसाला मैंने हल्का हल्का धूप दिखा दिया था, तो उसमें जो मॉइस्चराइज़र रहता है वो निकल जाता है। और मैं ये सब मसाले मिक्स करके इस जार में डाल दूंगी और हमारे ये नींबू का अचार आराम से 1 साल 1.5 साल तक चल जाता है। और इसमें नमक, नींबू के अचार में हमेशा नमक ज़्यादा डालना चाहिए, पर मैं इतना नहीं डालूंगी और देख लूंगी कितना क्या कैसे हिसाब से डालना है। पर यह है कि हमेशा अचार में नमक, नींबू के अचार में नमक ज़्यादा रहता है। और ये देखिए, मैं सारे नींबू इस परात में पलटा दे रही हूँ। क्या है, मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से, क्योंकि तो प्रॉब्लम जा रही है थोड़ा। अब मैं इसमें ये जो मैंने मेथी पाउडर था, इस मेथी पाउडर को मैं इसमें मिला देती हूँ। दरदरा पीसा था मैंने मेथी को भूंजकर, मेथी दाना जो रहता है। और ये जो अजवाइन है, इस अजवाइन को भी मैं डाल देती हूँ। ये जो हल्दी है, सारी हल्दी मैं डाल देती हूँ। ये जो मिर्च है, ये मिर्च डाल देती हूँ। मिर्च आपको कलर के, अगर मिर्च आप नहीं खाते हैं तो आप कस्तूरी लाल मिर्च जो आती है वो भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी क्या है, कलर भी इसमें हल्का तीखापन है, इसलिए मैं इतनी डाल रही हूँ। और ये नमक है, तो मैं इनके हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ कि आप देखिएगा मैं कितना नमक डाल रही हूँ इसमें से कितना, क्योंकि ये पूरा एक कटोरी भर है, तो ये सारा कटोरी का मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। क्योंकि इस अचार में, नींबू के जो अचार रहता है, नमक अचार की लह बढ़ा देता है, तो ये मैं सारा नमक ऐड कर देती हूँ इसमें। मैंने नमक भी ऐड कर दिए सारे मसाले। अब मैं इस चमचे के सहारे से सारे अचार को चला लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, ये बिना ऑयल के बनता है, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसी तरीके से हम सारे नींबू को मिला लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार। एक डेढ़ साल तक आराम से चलता है, आप जितना जब तक रखोगे इतना ही चलेगा। धूप में रखकर इसको ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसालों को नींबू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो ये जार रखा हुआ है इसमें मैं सारा अचार भरकर और धूप पर रख दूंगी।
तो देखिए मैं ये अचार अब जार में भर रही हूँ। तो ये ऐसे मैं करके थोड़ा थोड़ा करके ये सारा जार में मैं डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा दिख भी रहा है और खाने में टेस्ट भी अच्छा होगा इसका। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये। अगर आप लोग देख रहे होगे तो जरूर मुंह में पानी आ रहा होगा ये देखकर। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे करते करते मैं सारा अचार मैं इसमें डाल दूंगी।